जिस तरीके से सुरक्षा है और विपक्ष की ही मांग नहीं, मैं तो कहती हूँ सत्ता पक्ष को भी होम मिनिस्टर से ये मांग करनी चाहिए, क्योंकि ये सीवियर सिक्योरिटी ब्रीच है और देश को शर्मसार करने वाली चीज है कि अगर हम टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तो हम लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को पूरे देश में कैसे रख सकते हैं। आप ये देखिए, तीन लेवल ऑफ सिक्योरिटी है। आप खुद मीडिया के हैं, अगर आपके पास मीडिया पास नहीं होगा आपको पार्लियामेंट में एंट्री नहीं है, पार्लियामेंट के प्रीमाइसेस में भी एंट्री नहीं है, आपकी गाड़ियां रोक दी जाती हैं इंडिया गेट के सामने ही अगर आपके पास वैलिड पास नहीं है। मेरा सवाल यह है कि तीन सिक्योरिटी रिंग्स पास करने के बावजूद, एक्सरे मशीन पास करने के बावजूद भी ये इंसिडेंट सामने आता है, इट रिवील्स लैप्स ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स। और ये इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, उनको ये जनता को जवाब देना चाहिए। और न्यू पार्लियामेंट डिजाइन आप देखिए, एक ही गेट से सभी की एंट्री है, विजिटर्स की, मीडिया की, एमपीज की, सभी की। इतनी भीड़ वहां पे लगी रहती है, विजिटर्स गैलरी सिर्फ 10-12 फीट का डिफरेंस है फ्रॉम द लास्ट रोज ऑफ द पार्लियामेंट एंड द चेम्बर एंड द विजिटर्स गैलरी, पहले 25 फीट होती थी। मैंने ये चिट्ठी लिखी थी स्पेशल सेशन में कि इतनी तादाद में लोग आते हैं कि कुछ भी मूवमेंट भी हो रहा होता है, अगर ज्यादा लार्ज मूवमेंट होता है तो आवाज आती है, वो अगर जोर से बात कर रहे होते हैं तो डिस्टरबेंस होता है, और खास करके नारेबाजी हुई थी वहां पर राज्यसभा में। मैंने ये भी कहा था कि इस पे आप कार्रवाई करिए, पर कोई जवाब मुझे मिला नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।